बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का नेक्स्ट मैथ का पेपर है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। अभी आप लोगों के साथ पेयरिंग स्कीम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये पेयरिंग स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग मैक्सिमम नंबर हासिल करना चाहते हैं, या जो लोग कमज़ोर हैं और वो मैथ के पेपर में एवरेज नंबरों से पास होना चाहते हैं, तो उनके लिए ये पेयरिंग स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे। आप लोगों का सबसे पहला पोर्शन एमसीक्यूज़ का होता है। आप लोगों के 15 एमसीक्यूज़ होते हैं, उसमें से आपके 13 से 14 एमसीक्यूज़ जो हैं वो एक्सरसाइज से आते हैं। आप लोगों के सामने ये मैंने शेयर किए हुए हैं कि किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज़ आते हैं। इसी स्कीम के तहत आप लोगों के एमसीक्यूज़ आएंगे पेपर के अंदर। आप लोगों के पहले चैप्टर से एक, दूसरे से दो, तीसरे से दो, चौथे से एक, पाँचवें से दो, छठे से दो, सातवें से एक, आठवें से कोई नहीं आएगा, नौवें से एक, दसवें से एक, ग्यारहवें से एक, बारहवें से कोई एमसीक्यूज़ नहीं आएगा, और तेरहवें से एक आएगा। इन तमाम चैप्टर के एमसीक्यूज़ हैं वो ज़्यादातर एक्सरसाइज से आएंगे। एक दो एमसीक्यूज़ होंगे जो दरमियान से आएंगे, तो एक्सरसाइज को फुली प्रिपेयर करें। इसके बाद आप लोगों का शार्ट क्वेश्चन का पोर्शन आता है। आपका क्वेश्चन नंबर टू जो आता है वो पहले तीन चैप्टर्स में से आता है। तीनों चैप्टर्स में से तीन तीन क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों ने ये देखना है कि आपके कौन से दो चैप्टर स्ट्रॉन्ग हैं, उनके ऊपर खास तवज्जो दें, ताकि आप लोगों के तीन और तीन छः क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएं। नौ क्वेश्चंस में से आप लोगों ने छः क्वेश्चन करने हैं, तो आप लोगों ने दो चैप्टर के ऊपर खसूसी तवज्जो देनी है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर थ्री है, उसका आपका चौथा, पांचवा और छठा चैप्टर है। उसमें आप पांचवें और छठे चैप्टर को अगर तरजीह देंगे तो आप आसानी से छः सवाल कर लेंगे। इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फोर होता है, उसमें आपके चैप्टर नंबर सेवन से लेकर चैप्टर नंबर थर्टीन होते हैं। चैप्टर नंबर सेवन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर सेवन से आप लोगों के चार क्वेश्चन आएंगे, आठवें चैप्टर से एक, दसवें से एक, ग्यारहवें से एक, और आप लोगों के तेरहवें चैप्टर से दो सवाल आएंगे। तो इसमें अगर आप सातवां और तेरहवां चैप्टर क्लियर कर लेते हो तो आपके ये छः सवाल भी पूरे हो जाते हैं। इस तरह आपके शॉर्ट क्वेश्चन 18 पूरे हो जाते हैं। इसके बाद आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन होता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर फाइव जो है उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर वन से, बी पार्ट चैप्टर नंबर टू से, क्वेश्चन नंबर सिक्स ए पार्ट चैप्टर नंबर थ्री से, बी पार्ट चैप्टर नंबर फोर से। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर सेवन है, उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर फाइव से, बी पार्ट चैप्टर नंबर सिक्स से, क्वेश्चन नंबर एट का ए पार्ट चैप्टर नंबर सेवन से, और बी पार्ट चैप्टर नंबर थर्टीन से है। मैं प्रेफर करूंगा आप लोगों को कि आप क्वेश्चन नंबर फाइव और क्वेश्चन नंबर सेवन सॉल्व आउट करें। इसके बाद आप लोगों के जो थ्योरम है वो एक खास पार्ट होता है आप लोगों का। उसमें आप लोग चैप्टर नंबर नाइन को सही मुकम्मल तौर पर क्लियर करें, मोस्ट प्रोबेबली आपका ये थ्योरम जो है इसी चैप्टर से आप लोगों को हल हो जाएगा। चैप्टर नंबर नाइन के भी आखिरी चार थ्योरम लाजमी तौर पर आप मुकम्मल क्लियर करें। तो चैप्टर नंबर नाइन और चैप्टर नंबर ट्वेल्व, इन दोनों में से थ्योरम आना है, तो एक आपने सॉल्व आउट करना है। इन दोनों चैप्टर्स के थ्योरम क्लियर करने से भी आपके थ्योरम्स हो जाएंगे, और इसमें मैं आपको कहूँगा कि आप चैप्टर नंबर नाइन के थ्योरम्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर क्लियर करें। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आप लोगों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल से आप लोगों को जितने भी पेपर्स होंगे उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट भी आप लोगों तक इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त पहुँच सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें।